आपके बीच में सनी विमान और मेरे दोस्त मसूद अहमद भाई हैं। आज की जो इलेक्शन की जो घटना हो रही है, पिछला इलेक्शन भी हुआ था और इसी इलेक्शन, बिकॉज मैं 3 साल से इस कैंपस में हूँ, अपने बारे बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इतना मीडिया पहली बार मैं 3 सालों में देख रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि 9 फरवरी की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद में उसका माहौल बनाया गया, जेएनयू के छात्रों को देशद्रोही बनाया गया, शटडाउन जेएनयू हैशटैग चलाया गया, उसके बाद में ये सब दुर्गे एक दूसरे को छींटाकशी करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मैं मुजफ्फरनगर से ताल्लुक रखता हूं। मेरे सामने मेरा जो दोस्त बैठा है सौरभ शर्मा, ये भले ही हमारे साथ रहा हो, हम सब साथ रहे हैं, लेकिन जिस पार्टी को ये ताल्लुक रखता है, जिस पार्टी के साथ इसने 9 फरवरी जो 9 फरवरी की घटना जो हुई है, जिसमें कुछ इस कैंपस के रेडिकल लोगों ने कुछ देश विरोधी नारे लगाए हैं और हम उन देश विरोधी नारों का सिरे से खंडन करते हैं, पर उनकी बात करने की आजादी को हम सपोर्ट करते हैं। हम वो संगठन थे जो इस कैंपस में खड़े थे कन्हैया कुमार के साथ में, हमारा उनसे वैचारिक मतभेद है और हम खड़े थे, क्योंकि कन्हैया कुमार को जबरन उठाया गया, गलत आरोप में फंसाया गया, सेडिशन के आरोप में लगाया गया। ये वही जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं जो कि भाई यूसी पर हम सब लोग बैठे हुए थे। हमारी डिमांड थी कि हमें वजीफा बढ़ा कर दिया जाए, पर हमें मिला क्या? हमें लाठियां मिली। हमें मिला क्या? हमें एंटी नेशनल बोला गया। हमें दिया क्या गया? हमें दिया क्या गया? जो लड़कियां ओके भाई यूजीसी पर जाकर प्रोटेस्ट करती हैं वो वेश्या से बदतर है। ये बीजेपी के लोग जो यहां पर आकर बात कर रहे थे, मैं खैर मकदम करता हूं इन मोहतरमा का जो आरएसएस की तरफ से यहां रिप्रेजेंट कर रही है। मैं चाहूंगा कि सोशल जस्टिस और वुमेन जस्टिस की बात को समझें और समझ जाए इलेक्शन से पहले, उस डिबेट से पहले, कि आप गलत रास्ते पर खड़ी हुई हैं। मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर जो बैठे हुए व्यक्ति मुस्कुरा रहे हैं, बेखौफ आजादी के जो नारा देने वाले लोग हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक रेपिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती है। ना ही वो आयशा एक रेपिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पर जिस तरीके से आयशा के लोगों ने, आयशा के उन लोगों ने, मैं 2013 में इलेक्शन लड़ता हूं जीएस कैश का, मेरे साथ में मोहतरमा शैला रशीद भी जीएस कैश के इलेक्शन लड़ती है, हम दोनों हारते हैं, लेकिन हम दोनों एक जगह पर एकदम खड़े रहते हैं। वो खड़ी बात थी कि जीएस के जो जेंडर सेंसिटाइजेशन का इशू है, जो जेंडर जस्टिस का जो इशू है, हम खड़े थे। लेकिन आज जब मैं पाता हूं, आज मैं पाता हूं कि शैला राशिद जो उस दिन मेरे साथ खड़ी थी, भले विरोधी सेक्शन में थे, लेकिन आज बिकॉज उनके पार्टी के अलायंस की, पार्टी से जुड़े रहने की वजह से वो चुप रही। वो चुप रही तो सवाल कि पूरा कैंपस उनसे पूछेगा। वो चुप रही वो इसलिए नहीं चुप रही कि वो उनकी खुद की पर्सनल समस्या है, वो इसलिए चुप रही कि उन्हें चुप करवाया गया। उनके मैं बताना चाहता हूं, इस कैंपस से जुड़ी हुई कविता कृष्णन जी जो जेएनयू की प्रेसिडेंट रही है, जिस संगठन से ताल्लुक रखती है, उन्होंने इस कैंपस में नहीं एक खुर्शीद अनवर नाम के एक व्यक्ति थे जो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव व्यक्ति माने जाते थे, उन पर एक रेप के चार्जेस लगे। रेप के चार्जेस कानून तय करेगा। ये महिला खुर्शीद अनवर के केस को इस तरह से बोलती है टीवी मीडिया में, कविता कृष्णन बोलती है कि इन व्यक्ति को सुसाइड कर लीजिए, ये मर क्यों नहीं जाते हैं? ये कविता कृष्णन अपने आयशा के एक्टिविस्ट पर क्यों चुप रह जाती है? 3 दिन तक हम ये नहीं कहते कि अनमोल रतन का मीडिया ट्रायल किया जाए, अनमोल रतन के नाम से पोस्टर निकाले जाए कि वो रेपिस्ट है, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि वो चुप क्यों रही था उस वक्त? यही इनकी जो दोहरी राजनीति है। हमारा एकमात्र मकसद है इस कैंपस से जो ये लाल वाले लोग हैं जिनको लाल का मतलब नहीं पता, और जो भगवा वाले लोग हैं जिनको भगवा का मतलब नहीं पता, हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि वो लोग इस कैंपस में जो तिरंगा लेकर खड़े थे कन्हैया कुमार के पीछे, जो तिरंगा लेकर खड़े थे उमर खालिद और अलीबान के पीछे, मैं कहना चाहता हूँ उमर और अलीबान, हमारा उनका पार्टी के साथ में वैचारिक मतभेद है, रहेगा जब तक हमारे बीच में डिफरेंसेस है, लेकिन हम साथ खड़े थे क्योंकि हमारा मानना है कि हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एनएसआई को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारा सबसे पहला टारगेट यह होना चाहिए कि आप नेहरू के बनाए हुए सपनों को, नेहरू के बनाए हुए लोकतंत्र को हम सब सफलता से लागू कर पाते हैं। इस रूम में आपको पीछे लगी हुई तस्वीरें दिखाई देगी जिसमें हर प्रोग्रेसिव चेहरे का नाम दिखाई देगा, पर आपको जवाहरलाल नेहरू नहीं दिखाई देगा। इस कैंपस से जवाहरलाल नेहरू गायब है, इस कैंपस से जवाहरलाल नेहरू गायब है, क्योंकि भगवा वालों के लिए पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी है, और बाकी लाल वालों के लिए तो वो तो मार्क्स के अलावा उनका तो कोई प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। तो हम बताना चाहते हैं कि जेएनयू में अगर आपकी बार हम जीत कर आते हैं, और हम कहते हैं हम जीत कर आते हैं क्योंकि हम तिरंगे के साथ खड़े थे, उस चीज के साथ खड़े थे, रोहित विमला के साथ खड़े थे। अगर राहुल गांधी जी इस कैंपस में ना आते, राहुल गांधी जी का पूरा विरोध किया गया, राहुल गांधी जी की वजह से येचुरी साहब इस कैंपस में आए, उन्होंने कैंपस में आने को मना कर दिया था, इस कैंपस में आए, इस कैंपस में आने के बाद में
स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिला, उस स्टूडेंट्स को सपोर्ट की वजह से हम सड़कों पर उतरे, और जब ये सब लाल ये रेडिकल लोग छुपे बैठे थे अपने कमरों में, उनको सपोर्ट दिया, हमने हाथ में तिरंगा फहराया। और वही अनमोल रतन जिसके खिलाफ आज ये बातें की जा रही है, जब कन्हैया के प्रोटेस्ट में हम जा रहे थे, आगे सनी दीवान खड़ा था बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के झंडा लिए, उसके हाथ में तिरंगा था, वो धक्का देता है, धक्का मारता है कि यहाँ पर किसी ऑर्गेनाइजेशन का झंडा नहीं होगा। यही लो चेतन त्यागी जो आयशा का बहुत बड़ा एक्टिविस्ट है, मुझे अब शब्द बोलता है कि डैश झंडे वाले, वह बोलता है सभी लोगों के बीच में, फ्रेंड्स मीडिया से नोट करता है, ये लोग तिरंगे का यूज करते हैं जब इन्हें लगता है कि इनके ऊपर खतरा आया, और जैसे ही इन्हें लगता है कि खतरा खत्म, फिर से इनका शुरू हो जाता है वही लिंगदो 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 के ऊपर। पिछले साल 2 GBM हुई जिसमें आयशा ने सोगली खा, इलेक्शन होना चाहिए होना चाहिए, हम नहीं मानते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए होना चाहिए, लेकिन उस दौर में जब वाइस चांसलर एक खाकी निक्कर पहनकर पहुंचाया गया है, उस दौर में जब नरेंद्र मोदी ने पूरी की पूरी अपनी प्लाटून छोड़ दी है कि आपको जितना दहशतगर्दी फैलानी है फैलाओ, उस दौर में हम इलेक्शन चाहते हैं, और हम कहते हैं कि अगर हम यहाँ पर यूनियन में आते हैं तो हम 6 महीने के अंदर रिजाइन करेंगे अगला इलेक्शन करवाने के लिए, और वो लिंगदो के बिना होगा, उसके लिए हम चाहे हमें पार्लियामेंट जाना पड़े, चाहे सड़कों पर उतरना पड़े, हम वो करेंगे। और आगे बात करना चाहूंगा क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर से आता हूँ, हमने उधर देखा है किस तरीके से मेरा जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है, मेरा पूरा रीजन है, 10 साल पीछे चला गया। हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है पर हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट पीछे चला गया, पूरा रीजन पीछे चला गया। क्या मिला है? जो मुसलमान लोगों को वहां से भगाया गया, जो जाटों ने सोचा कि हमें फायदा मिलेगा, आज वो जाट परेशान है कि उनके पास मजदूर नहीं है, समाज में तनाव है, उसी तनाव पर मेरा भगवाधारी दोस्त है जो बैठा हुआ है, जिसको अभी समझ नहीं है पर वो समझेगा किस तरह से हमारी सोसाइटी बढ़ रही है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये दहशत की राजनीति है जो यहाँ की जा रही है, रोहित विमला के केस में, रोहित विमला केस में एक व्यक्ति अगर विरोध करता है, एक व्यक्ति विरोध करता है, उसको इस सिस्टम के साथ में समस्या है, वो रोहित विमला हो सकता है, उमर खालिद हो सकता है, उसे बात करने का हक है क्योंकि हमारे संविधान में हक मिला हुआ है। लेकिन आप उसका संस्थानिक मर्डर करो, आप मंत्री से वहां चिट्ठियां भेजो, आप उमर खालिद के नाम पर ये चलाओ कि उमर खालिद मास्टरमाइंड है, उमर खालिद इस्लामिस्ट है, उमर खालिद इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट है। इस कैंपस में जिस वक्त में उमर खालिद के बारे में बातें चल रही थी, इस वक्त में सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का एक व्यक्ति निकल कर आया जिसने जवाब दिया कि उमर खालिद एक 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 फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट नहीं है, वो कम्युनिस्ट हो सकता है, उसको शायद आप एंटी नेशनल में डाल सकते हो, पर आप जो प्रोपेगेंडा चला रहे हो ना, आपको बंद करना होगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति चाहे अपना प्रोग्रेसिव बोलता हो, कॉमरेड बोलता हो, कोई आकर नहीं बोला, हम बोले, एबीपी आज भी मौजूद है। और ये बात नहीं है, और इस पूरे मूवमेंट के दौरान में एक भी बार एनएसओआई की तरफ से हमने कभी नहीं कहा कि हमें स्टेज दो, हम अपनी बात रखेंगे। हमारा बस एक मकसद था कि नेहरू के विचार, नेहरू की डेमोक्रेसी, अमेरिका की डेमोक्रेसी जिंदा रहनी चाहिए, हमने उसे रखने की पूरी कोशिश करी। और अब जब राहुल गांधी इस कैंपस में आए तो इनका हश्र देखिए क्या करते हैं, जैसे राहुल गांधी इस कैंपस में आए ये राहुल गांधी का अछूत बना देते हैं, क्या कहते हैं कि नहीं जब राहुल गांधी आएंगे हम माइक नहीं लेंगे, तो हमारे जो साथी दिलीप है जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उनके हाथ में माइक बढ़ाते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं कर सकते, ये इनका छुआछूतपन चलता है। और आखिर मैं चाहूंगा कि मेरे दोस्त जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि अभी मेरे भाई कुछ जम्मू कश्मीर बात कर रहे थे, मेरे मसूद भाई बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में हमारी क्या पोजीशन है, और हमारा बेसिक एजेंडा है जो सबने बोला है वो हम सभी चाहते हैं, जो एजेंडा सबके हैं, हमारा बस एक है आयशा एबीवीपी को इस कैंपस से खत्म करना, और नेहरू की डेमोक्रेसी है इसे इस कैंपस में जिंदा रखना। मसूद भाई, साथियों हमारा वक्त पूरा हुआ जा रहा है, मैं जल्दी में अपनी बात रखूंगा, इसलिए कि JNU का ये इलेक्शन जो है ये चारदीवारी के अंदर नहीं पूरे देश की इस पे नजरें लगी हुई हैं, और एक ऐसे वक्त में ये इलेक्शन हो रहा है जब अखलाक की लिंचिंग करती जाती है तो इन्वेस्टिगेट बीफ और मटन को किया जाता है, जब रोहित वामनोरा का इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया जाता है तो इन्वेस्टिगेट उसकी कास्ट को किया जाता है, और साथियों जब गुजरात में ऊना के अंदर दलितों को मारा जाता है तो तब हमारे प्रधानमंत्री जी तेलंगाना से जाकर स्टेटमेंट देते हैं शूट मी बट नॉट दलित, और एक ऐसे वक्त में जब कश्मीर पूरे का पूरा आग के दरिया में जलाया जा रहा है, वहां पे खून की नदियां बहाई जा रही हैं, तब हमारे प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में जाते हैं और कहते हैं मुझे बड़ा अफसोस है, जिन लोगों के हाथों में लैपटॉप होना चाहिए था, जिन लोगों के हाथ में कलम और किताब होने चाहिए थे उनके हाथों में स्टोन आ गए, और फिर आखिर बोलते हैं जब यहाँ आर पार्टी मीटिंग्स में और उसके बाद अपने मन की बात में तो कहते हैं एक ही चीज सामने निकली आई, एकता और ममता, समझे कि कश्मीरी लोग पोइट्री से ज्यादा शौक रखते हैं और इसलिए उनको ये डायलॉग मार दिया जाएगा एकता और ममता का और वो हमारे साथ आ जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी आपके होम मिनिस्टर जी 2 बार वहां पे गए, वहां की स्थिति जो थी वो मजीद खराब से खराब तक होती चली गई, और आइंदा आने वाला आपका जो आर पार्टी डेलीगेशन जा रहा है, हम मानते हैं कि अगर बुरहान वानी गलत था वो गलत हो, लेकिन आपकी वहां पे सीएम जो है महबूबा
मुफ्ती जी उन्होंने क्यों कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया कि बुरहान मालिक अगर हमें पता होता वो वहां पे है तो हम वहां पे इनकाउंटर ना करने देते। आज के निर्मल सिंह ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। हमारा एक ही मानना है कि कश्मीर के लोगों के ऊपर जो पैलेट गन्स यूज की जा रही है वहां के नौजवानों को मारा जा रहा है उसको बंद किया जाए। और इस बार कैंपस के अंदर हमने लेफ्ट रेडिकल से और एबीवीपी से दोनों से कैंपस को छुटकारा दिलाना है और इसकी फैसला जो है हमारी जनता करेगी। थैंक यू।